नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल में। जैसा कि मित्रों हम लोग देख रहे हैं, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और हम और आप और हमारी टीम मिलकर के कुछ अच्छा काम करने वाले हैं। दोस्तों लॉकडाउन के टाइम में आपको पता है कि सब लोगों का कहना है, क्या कहना है भाई, सबका कहना है कि आत्मनिर्भर बनो। और आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे हम लोग, जब अपनी क्वालिटी को बढ़ाएंगे, अपने टाइम पीरियड में अपनी क्वालिटी को बढ़ाएंगे, तो वो हम आत्मनिर्भर बनने का हमारा तरीका होता है। और सबसे जरूरी जो आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें करना है वो है हमारा डिजिटल सेक्टर। और डिजिटल सेक्टर की ही बात करने वाले हैं जिसमें सबसे पहला नाम आता है हमारा ओ लेवल का। ओ लेवल का नाम सुनते ही कुछ लोग आश्चर्य हो जाते हैं, भाई ओ लेवल, अरे ओ लेवल क्या होता है? ओ लेवल कुछ नहीं होता भाई, बहुत छोटा सा कोर्स है, एक साल का डिप्लोमा कोर्स है ये। इसको आप कर लेंगे, बहुत सारी आपके पास अचीवमेंट्स हो जाएंगे, बहुत सारे आपके पास जो कहते हैं ना कि बहुत सारे आपके आधार खुल जाएंगे, बहुत सारे आपके रास्ते मिल जाएंगे कि हम ये काम कर सकते हैं, वो काम कर सकते, सारे कार्य को कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं, हम बात कर रहे हैं अपनी टीम के साथ और आप देख रहे हैं यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल। चलिए कुछ अच्छा सीखते हैं। तो मित्रों हम लोग आज बात करने वाले हैं ओ लेवल की, कैसे करें, कहां से करें, क्यों करें, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए, सिलेबस क्या होना चाहिए और सही है कि नहीं है, एग्जाम कैसे होगा, सर्टिफिकेशन इसका कैसे मिलता है, ये सारी डिटेल्स में बात करेंगे। और हम लोग बात करने वाले हैं कि ओ लेवल करने के बाद कितने सारे दरवाजे खुले होते हैं हमारे सरकारी के, गवर्नमेंट जॉब के लिए कितने सारे हमारे दरवाजे खुले होते हैं प्राइवेट जॉब के लिए। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले बताऊं ओ लेवल कहां से करना चाहिए या फिर कैसे करना चाहिए या फिर क्यों करना चाहिए। तो ओ लेवल करने के बाद हमारे पास बहुत सारे मिल जाते हैं, जैसे कि हम लोगों को कोई जॉब करना हुआ, कोई गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब करना हुआ, एआरओ की वैकेंसी आती है, यूपीपी की वैकेंसी आती है जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर विशेष रूप से मांगा जाता है, एक वैकेंसी होती है यूपीएससी की होती है जिसमें हम लोग फंड कमिश्नर ऑफिसर का होता है, उसमें सिर्फ आपने रिटर्न किया अगर ओ लेवल का सर्टिफिकेट, डायरेक्ट इंटरव्यू दीजिए। तो गवर्नमेंट में आजकल, तो विगत वर्षों में जो भी हमारे लोअर पीसीएस के एग्जाम्स होने वाले हैं उनमें भी ओ लेवल का बहुत बड़ा महत्व है, जो भी एग्जाम होंगे सब में हमारा ओ लेवल अवेलेबल रहेगा, बिना ओ लेवल के आप कर ही नहीं सकते हो, ये सारी फैसिलिटीज हमारे गवर्नमेंट में। अब प्राइवेट सेक्टर की तो बात ही छोड़ दो यार, प्राइवेट सेक्टर की क्या बात करना है, आपका तो प्राइवेट सेक्टर में हर तरह दरवाजा खुला हुआ है, कहीं लैब इंस्पेक्शन बन जाओ, तो कहीं आपने वेब डिजाइनिंग सीख लिया, तो कहीं आपने डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम करना शुरू कर दिया, कहीं आप टीचर बन जाओ। और इस वाले नए सिलेबस की मैं बात करूं तो नए सिलेबस में आया है IoT। IoT मतलब क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और हम लोग जो पढ़ाएंगे वो हमारा फिफ्थ रिवीजन का सिलेबस होगा जिसमें IoT और एडवांस पाइथन है, जो कि दोनों आज नहीं आज के 10 साल बाद इतनी क्रेज आने वाली है कि आप इसकी सोच नहीं सकते दोस्तों। दूसरी बात बोले कहां से करें, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं भाई, या तो आप डायरेक्ट करो या तो आप इंस्टीट्यूट से करो। तो यार कोई इंस्टीट्यूट से करने का कोई मतलब नहीं है, फालतू पैसा लोग वेस्ट करते हैं, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, उसका कोई मतलब नहीं। आप डायरेक्ट फॉर्म भरो, कंप्लीट कराने का जिम्मेदारी हम पे छोड़ दो, 100% क्वालिफाई करोगे, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आई। अगर आती है तो नीचे दे गए कॉन्टेक्ट नंबर पे आप मुझसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हो। योग्यता की बात अगर हम लोग कर ले तो भाई 12th पास आउट हो, आप ओ लेवल कंप्लीट कर लो, आप सिर्फ और सिर्फ 12th पास आउट हो और आप ओ लेवल कंप्लीट कर सकते हो। सिलेबस की बात करें तो हमारे गुरु जी 2-10 साल के एक्सपीरियंस है, धीरेन्द्र सिंह सर, उनकी बात अगर करें तो पूरा सिलेबस की जानकारी अभी सर देंगे। एग्जाम प्रोसेस की बात ही मत करो यार, एग्जाम प्रोसेस तो एकदम इजी है, आपने जनवरी में अगर फॉर्म फिल किया और अप्रैल में आपने एग्जामिनेशन फॉर्म डाला, जुलाई में आपका एग्जाम हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर तक आपके सर्टिफिकेट आ जाएंगे और आप ओ लेवल आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। और फायदे की बात करें, और एक बात तो सबसे इंपॉर्टेंट करने वाले हैं दोस्तों, सही समय। और आपको बताएं तो एग्जैक्ट टाइम यही है, आप घर बैठे हो, कुछ नहीं करना, आपने फोन ऑन किया, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं ओ लेवल क्वालिफाई कर सकते हैं आप, सिर्फ और सिर्फ एक चैनल पे, कोई यूट्यूब पे लाइव क्लास नहीं पढ़ाता है, पूरी लाइव क्लास सिर्फ यूनिक ऑनलाइन ग्रुप पे चलती है दोस्तों। एक बार आप जरूर ओ लेवल कर लें, आपके लिए भी फायदा है और अपने दोस्तों को एक बार जरूर बताएं। दोस्तों आगे का जो सिलेबस है हमारा वो आपको धीरेन्द्र सर बताएंगे, तो धीरेन्द्र सर जैसा कि दोस्तों आपने अभी सुना होगा हमारी टीम के साथ हमारे सर
आपको पूरी बात बताए भाई, वो लेवल क्या है, कैसे करना, तो उसको आपने सुना ध्यान से, और हम अपनी बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। देखो सिलेबस के लिए थोड़ा सा बच्चे तो कंफ्यूज रहते हैं कि वो लेवल में सिलेबस होता क्या है, कितने पेपर होते हैं, कैसे होता होगा, तो सारी बातें हम आपके सामने लेके आए हुए हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस इसका, यार टोटल 4 पेपर इसमें देना होता है यार। 1 साल का जो हमारा कोर्स होता है वो लेवल, इसमें आपको टोटल मात्र 4 पेपर क्लियर करना होता है। अब बात आती है पेपर के नाम क्या होते हैं, पेपर कैसे होता है। देखिए सबसे पहले हम आपसे बता दें, पेपर को क्वालिफाई करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे पेपर जो आपका मोड होता है वो आपका इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में होता है, प्लस इसका एग्जामिनेशन मोड आपका ऑफलाइन होता है, ध्यान रखिएगा। तो पेपर देने के लिए आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे आप पेपर हिंदी मीडियम में लिखें दे या इंग्लिश मीडियम में दें, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सब पेपर का जो नाम है वो कौन कौन सा पेपर हम लोग को क्वालिफाई करना होता है, क्योंकि कुछ लोग होते क्या है थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं कौन कौन सा पेपर आता है, वो यही नहीं पता है। तो आज हम आपको एकदम क्लियर बातें बताएंगे कि पहला पेपर आपको सबसे पहले क्वालिफाई करना होता है IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस, ठीक है। यानी पहला पेपर हमारा होता है एकदम बेसिक फंडामेंटल का, जिसका आपने नाम सुना होगा, जिसे हम लोग कहते हैं IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस, ठीक है ना। तो नेटवर्क बेसिस की अगर हम बात करें तो आपका एक नया टॉपिक आया हुआ है, यानी पूरा कंप्लीट फंडामेंटल की हम बात करेंगे। इसमें होता कुछ नहीं है, 100 नंबर का पूरा कंप्लीट आपका एक पेपर होता है। 100 नंबर में अगर हम बात करें तो इसमें आपको करना क्या होता है, इसमें 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे और 60 आपके डिस्क्रिप्टिव मिलेंगे, ठीक है ना। तो 40 ऑब्जेक्टिव और 60 डिस्क्रिप्टिव का मिला के टोटल 100 मार्क्स आपको पर पेपर ऐसे ही होते हैं, लेकिन टोटल हमको 4 पेपर क्वालिफाई करना है। तो पहला आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस हो गया, दूसरे पेपर का इसी तरीके से हम नाम लेंगे। तो कोड आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि हमारा जो रिवीजन 5 आया हुआ है, सबसे पहले हम मॉड्यूल की बात करेंगे। तो पहला भी हमने जो पेपर का नाम बताया वो होगा आपका M1R5, ठीक है ना। कोड की मैं बात कर रहा हूं, M1R5 का मतलब होता है आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस पेपर हमको देना है। दूसरे पेपर की हम बात करें कोड के साथ डियर, तो M2R5 होता है, जिसका पूरा कंप्लीट पेपर का नाम होता है आपका वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग, ठीक है ना। कहने का मतलब वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग की हम बात करें तो आपका ये सेकंड पेपर होता है। पेपर आपका सेम वही होगा, यानी 100 मार्क्स के होंगे, आपको मैं बार बार नहीं बताऊंगा, 40 और 60 का आपका इसमें डिवाइड होता है। उसी तरीके से आपका तीसरा पेपर की हम बात करें तो यानी आपका M3 और R5, यानी बात करते हैं डियर जो नया सिलेबस अभी अपडेट हुआ है रिविजन 5 में, उसी का नाम होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन। यानी पाइथन हमारा जो डियर आया है, आज देखिएगा, आज जो हम लोग ओ लेवल में पाइथन पढ़ेंगे उसका 2 साल 1 साल के बाद क्या इसका स्कोप होगा डियर, पाइथन सबको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होगा, यानी इसका मॉड्यूल होता है M3R5। इसी तरीके से अगर हम चौथे पेपर की बात करें, मॉड्यूल 4 की बात करें, तो उसका नाम होता है M4R5, जिसका नाम अभी आपने सुना होगा, या नहीं सुना होगा तो जान जाइएगा, सिर्फ एक पेपर होगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है। उस पूरे पेपर का नाम होता है IoT शॉर्ट फॉर्म होता है, और इसको हम लोग कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो डियर आपकी ये चारों पेपर होंगे, चारों पेपर का सेम आपका हमने बताया कि ऑफलाइन एग्जामिनेशन होंगे, और पेपर आपका 40 और 60 में ही डिस्क्रिप्टिव होगा। यानी हमको पेपर क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही आसान होता है, मात्र हमको 50 क्वेश्चन करना है, यानी 50 मार्क्स आपको लाने होंगे 100 में, ठीक है ना। इस तरीके से चारों पेपर जब आप क्लियर कर लेंगे, तो पेपर ही क्लियर करने से आपका पूरा कंप्लीट अवेलेबल नहीं होता है, लास्ट में हमको करना क्या होता है दोस्तों, एक प्रैक्टिकल भी क्वालिफाई करना होता है। प्रैक्टिकल हमारा क्या होता है डियर, तीन आपका जो चारों पेपर होते हैं, यानी चारों मॉड्यूल को मिला के एक आपका 100 मार्क्स का क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। और प्रैक्टिकल की डियर हम बात करें तो प्रैक्टिकल यार बहुत आसान होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा आपको जानकारी इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि चारों मॉड्यूल जब आप क्लियर करेंगे तो उसी चारों मॉड्यूल का मिला के 100 मार्क्स का जो आपका प्रैक्टिकल होता है, उसमें से आपको थ्योरी भी देना होता है और साथ में उसका वाइवा भी होता है दोस्तों, ठीक है। तो वाइवा आपका 20 मार्क्स का होता है, थ्योरी आपकी 80 मार्क्स की होती है। तो कंप्लीट आप इसी तरीके से प्रैक्टिकल भी क्वालिफाई कर लेंगे। जब आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल क्लियर होता है तो लास्ट में इसका एक प्रोसेस होता है डियर, बिना उस प्रोसेस को कंप्लीट किए हुए आपकी मार्कशीट यानी सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि उसका एक लास्ट प्रोसेस होता है, प्रोजेक्ट भी सबमिट करना पड़ता है। और प्रोजेक्ट के लिए कोई दिक्कत नहीं यार, यूनिक ऑनलाइन गुरु आपका कंप्लीट सब कुछ कराएगा, वो जिम्मेदारी यूनिक ऑनलाइन गुरु की होगी, ठीक है। इस चैनल पर जहां से आप लोग का पूरा स्टडी करेंगे वो हमारी जिम्मेदारी होगी, बस आप लोगों को ध्यान में रखना है बात को, पेपर चारों को क्लियर करना है और प्रैक्टिकल क्लियर करना है।
है। ठीक है डियर। हाँ देखिए, जो हम थ्योरी पेपर आपको पढ़ाएंगे, जो हम पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ाएंगे डियर, हमारे यहाँ ध्यान रखिएगा कोई रिकॉर्डेड वीडियो आपको नहीं मिलेगी। मैं पर डे आपको लाइव क्लास पढ़ाऊंगा और लाइव क्लास में मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल, पूरी थ्योरी, वो पूरा टाइम ड्यूरेशन आपका फिक्स हो जाएगा, सारी डिटेल आपको अच्छे से मिल जाएंगी। आपका प्रैक्टिकल और थ्योरी के साथ हमारे सारे सब्जेक्ट एंड सारे पेपर आपको इसी तरीके से मिलेंगे। साथ ही साथ बच्चों को पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करता हूं, ताकि उनको विगत जितने भी ऐसे एग्जाम हुए होते हैं उनसे एकदम अच्छे अच्छे क्वेश्चन क्वालिफाई करने के लिए मैं उनको पूरा पीडीएफ देता हूं, अच्छे से पढ़ें। और पूरा नोट्स के लिए जो बच्चे नोट्स नहीं बना पाते हैं किसी कारण, खाली वो लेक्चर ही सुन पाते हैं, उनको मैं ई बुक भी प्रोवाइड करूंगा, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ध्यान रखिएगा डियर, ये सारी फैसिलिटी, ये सारी सुविधा आपको मैं पूरी दूंगा, ताकि आप घर बैठे पूरा लेवल को क्वालिफाई कर सकते हैं। और थोड़ा सा कुछ और बातें होती हैं उसके लिए हमारी टीम है, जैसा कि मैं आपसे बताने वाला हूं, वो सारी बातें हमारे आशुतोष सर आपको बताएंगे, जो थोड़ा सा भी बात करते हैं। चलिए, ये सारी बातें तो आप लोगों ने सर से सुन लिया, लेकिन जो सबसे बड़ी बाधा आती है हमारे आपके जुड़ने में, हमारे आपके कांटेक्ट होने में, वो फीस का इशू है। उसके बारे में देखिए, न रत्नाकर सर कुछ कहते हैं ना ही धीरेन्द्र सर कहते हैं, ठीक है, वो जिम्मेदारी अक्सर लोग मेरे ऊपर ही छोड़ देते हैं। ये ऑनलाइन का ही सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑफलाइन में भी होता है। जो लोग ऑफलाइन से हैं वो लोग जानते होंगे, प्रयागराज में हमारी ऑफिस है ऑफलाइन। लेकिन आप समझ लो कि फीस हम लोगों ने इतना नॉमिनल रखा, इतना नॉमिनल फीस रखा है कि किसी प्रकार से आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आ पा रही है। उसके बावजूद भी अगर कोई समस्या होती, जो नीचे नंबर है कॉन्टैक्ट करिए, लेकिन हाँ, आप तुरंत ज्वाइन करिए, क्योंकि अब देरी किसी बात की नहीं सोचना है, कुछ नहीं सोचना है। लॉकडाउन है, क्योंकि अगले 6 महीने तक ना ही आपकी यूनिवर्सिटी खुलनी है, राज की बात है। और कोरोना का मेडिसिन, WHO ने कहा कोरोना की मेडिसिन में भी जनवरी तक में भी थोड़ी सी आने में देरी होगी, जनवरी के बाद ही आ पाएगी। ट्रायल एंड हिट चलेगा, पता हो आपको, सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप में ट्रायल होता तब जाके चीज हम तक पहुंचती है। तो आप तुरंत ज्वाइन कर, नीचे नंबर दिखाई दे रहा है, तुरंत आप इस नंबर, सिर्फ आप इतना लिख के करिए, ओ लेवल लिख के आप व्हाट्सएप कर दीजिए। बाकी सारी जिम्मेदारी हमारी है, पूरी हमारी टीम है, टेक्निकल टीम आपका सपोर्ट करेगी, आपको पूरी जानकारी देगी, आपको कॉल पे देगी, आपको व्हाट्सएप पे देगी। बस आप ओ लेवल या ज्वाइन ओ लेवल लिख करके हमें व्हाट्सएप करिए, हम आपको आगे का काम सारा हम संभालेंगे। और हाँ, कुछ को हम बताएंगे, कुछ को आप बताओगे, कुछ को हम बताएंगे, कुछ को आप कैसे बताओगे, आप और लोगों को शेयर कर दीजिए, और लोगों को बताइए, जितने भी आपके मित्र हो, जितने भी आपके पास फ्रेंड हो, सबको तुरंत बताइए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। मैं गारंटी लेता हूं, मैं चैलेंज के साथ हम लोग बात कर रहे हैं कि आपको रिजल्ट मिलेगा। और अगर किसी पर कोई समस्या आ रही है तो आप कुछ लोग हमसे जुड़े पहले से जानते हो, सीधे हम लोग फेस टू फेस बात करते हैं, सीधे कनेक्टिविटी हमसे होती है, टीचर से होती है, स्टाफ से होती है, आपको यहां पर कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं आने वाली है। इतनी बातें हम आप लोगों से करेंगे, और अगर कोई समस्या आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप बताइए। साथ में सबसे जरूरी बात, जो लोग यूपी से हैं, प्रयागराज के आसपास से हैं, आप यार जुड़ो ना हमसे, ऑफलाइन भी जुड़ो, आपका टच टाइम, आप हमसे ऑफलाइन भी आके मिलो। ऐसा नहीं कि आपको ऑनलाइन करो तो आपको ऑफलाइन नहीं करेंगे। हाँ, ऑफलाइन के भी रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ हो रहे हैं, अगर आपको जैसे ही थोड़ा बहुत अगर स्थिति बन रही है पढ़ाने की, ऑफलाइन भी हम लोग एकदम रेडी है, कमर कस लिए नए सिलेबस के साथ, क्योंकि नया सिलेबस मतलब समझ रहे हैं ना, अपग्रेड, हम लोगों की हालत खराब हो जा रही है। हम लोगों ने इस प्रकार सिलेबस डिजाइन किया कि एक एक पॉइंट आपको एग्जाम के व्यू ऑफ पॉइंट से मिलेंगे, और वो सारे स्टूडेंट साक्षी जिन्होंने पिछले साल हमारे स्टूडेंट से जुड़ करके ओ लेवल किया है, और वो सितंबर में अपीयर होने जा रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बस हम लोग इतना कहेंगे। बाकी रत्नाकर सर चाहे तो कुछ आपसे बातें कर सकते हैं। रत्नाकर सर, देखिए मैं बस इतना ही कहूंगा कि एक बार आप लोग जुड़िए और मजा तो आ ही जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और एक बात और, ये रत्नाकर सर है, आप लोगों को जिस एनर्जी के साथ आप लोगों को पीसीएल में पढ़ाए, सीसीएल ट्रिपल सी में बताए हैं, पिछले ओ लेवल की क्लासेस चली हैं, उससे ज्यादा एनर्जेटिक अब होने वाले हैं। और साथ में आप धीरेन्द्र सर को देख रहे हैं, ये अपने मुस्कुराने के लिए जाने जाते हैं, तो इनके मुस्कान को आपकी मुस्कान में कन्वर्ट करना है। इनकी मुस्कान और सर की मुस्कान तभी वैलिड होगी जब ये मुस्कान आपके मुस्कान पर परिवर्तित होगी। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।